हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट। सो काफ़ी बड़ा अपडेट आपके इग्नू की तरफ से आया है। आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है असाइनमेंट सबमिशन की, लेकिन वो लास्ट डेट कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाई गई है, ये जो है सबसे बड़ा अपडेट है। सो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन असाइनमेंट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 एंड जून 2022। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, आप नोटिफिकेशन को जब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लिखी गई है कि आपका अगर दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम था, दिसंबर 2021 एग्ज़ाम का कोई असाइनमेंट अगर रह गया था तो वो भी अभी आप सबमिट कर सकते हैं। 30 अप्रैल जो है आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। सेम ही आपका अगर जून 2022 के आपको एग्जाम फॉर्म आप भरने जा रहे हैं या आप अपने एग्जाम जून 2022 के अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उसकी लास्ट डेट जो है 15 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। काफ़ी बड़ा अपडेट है आपका, आपकी लास्ट डेट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी लास्ट डेट को जो है अप्रैल तक एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन जून 2022 में जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं, जो भी अपना एग्जाम फॉर्म जून 2022 का भरने वाले हैं, उनकी लास्ट डेट 15 मई तक कर दी गई है। अब जो है अपने असाइनमेंट को 15 मई तक इग्नू में सबमिट कर सकते हैं, चाहे आपका प्रोग्राम कोई सा भी हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने एग्जाम जून 2022 में अटैम्प्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम आपका कोई सा भी हो सकता है इग्नू का, तो वो अपने असाइनमेंट आप 15 तारीख तक इग्नू में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बात रही दिसंबर 2021 वाले स्टूडेंट की, तो अगर कोई भी स्टूडेंट था दिसंबर 2021 का जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए थे, किसी रीजन से नहीं कर पाए थे, तो उन सब की लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल तक जो है एक्सटेंड कर दी गई है। काफ़ी बड़ा आप सभी के लिए अपडेट होगा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए थे, तो आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम आप सभी स्टूडेंट को मिल चुका है अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करने का। एंड ये जो है दोनों पे एप्लीकेबल होगा, चाहे आपके ऑनलाइन कराएं, चाहे आप खुद जाके अपने हार्ड कॉपी में असाइनमेंट को सबमिट कराएं, ये सभी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। चाहे आपने इग्नू में कोई सा भी प्रोग्राम लिया हो, कोई सा भी आपका मीडियम हो, कोई सा भी आपका रीजनल सेंटर हो, सभी के लिए ये वाला नोटिफिकेशन जो है आपका एप्लीकेबल होगा। तो जो आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अपडेट आपको जो है इग्नू की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होंगी। कोई और अगर आपका डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।